भूख तो लग रही होगी आपको, भूख तो लग रही होगी, प्यास लग रही है। क्या हो गया? आप चेंज कर लो माते, ठीक है? चलो अच्छी सी स्माइल दो। हाँ चलो चेंज कर लो माते, चलो चेंज कर लो, ठीक क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। चलो अभी बैठो, भगवान के लक्षण चल रहा है। जब से मैंने होश संभाला है ना, पहली बार अम्मी को मतलब ऐसे हम भाई, तुमने पहले भी ना अम्मी, आज एकदम ना आप मुझे पापा की याद दिला रही हो। पूछो कैसे कुछ नहीं बोल रहे, बस चुपचाप ऊपर ताक रही हो। कुछ नहीं बोल रहे, बस ऊपर से देख रहे। हम पापा से नहीं पूछते कभी कभी कि पापा क्या सोच रहे हो, ऊपर देखे थे कुछ बात करो। अम्मी को इतना चुप देखा ही नहीं कभी, इतना चुप अम्मी को कभी देखा ही नहीं। वहाँ पे वो सो रहा है, मुझ पे गुस्सा कर रही हो। अब जो तुमने कहा वो मैं तो कर रही हूँ। मैंने नहीं, डॉक्टर ने बोला, मैंने नहीं कहा, डॉक्टर ने बोला। ठीक है, डॉक्टर ने कहा था कर रही हूँ। अब तुम चुप बैठो आराम से। चलो हंसते हो जाओ, हंसते हो आना, ठीक है? यहीं पे हम लोग बस खाते पीते आपका वेट कर रहे हैं। अम्मी जो बाल आपने ब्राउन कराए हैं ना, कसम से देखा। नहीं जी, अम्मी अंदर क्या बोल रही थी? ऑब्वियसली आंखों में पानी आ गया था थोड़ा, बट बहुत स्ट्रांग होके गई है तो अभी चली गई है अम्मी अंदर। और लास्ट में दीपिका बता रही कि हल्के से आंखों में आंसू थे जब लास्ट में हो गई, और एकदम से हाथ इसका पकड़ हुआ था। और फिर जब मैं नीचे गया अभी फाइल लेके देखने के लिए, दीपिका ने मुझे बताया अलग ही चीज़ बताया। तो डॉक्टर श्वेता आई, जैसे वो पहले मुझसे मिली, फिर वो अंदर गई अम्मी से मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो काम डाउन हो जाएंगी। और 5 मिनट बाद डॉक्टर श्वेता बाहर आई और कहती है कि अम्मी कह रही है मुझे बार बार नहीं आना, पूरा एक ही साथ निकाल। और यही चीज उनको बोल रहा था तो मुझे नहीं उनको पहली बार वैसा हुआ है ना, कि थोड़ा सा अजीब भी रिएक्ट करे ना, मतलब थोड़ा चुप हो जा रही है फिर बोल रही है, मतलब पहली बार उनको पहली घबराहट, वो घबराहट ही नहीं, तो कभी भी अम्मी ऐसे नहीं, पापा जैसा सेम बिहेव कर रही है। उनको मतलब हमारी बातों पे हंसी आ रही, हम उनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हंस रही है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बस अभी आप वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आधा आधा घंटे 40 मिनट का, 30-40 मिनट का प्रोसेस है जी। अब मैं ये बता रही हूँ कि अम्मी वैसे घबराई हुई है नो डाउट, लेकिन उनको पता है कि अब मुझे करना है। जैसे उनको पता था कि ये ओटी के दरवाजे के अंदर अब ये मुझे देखना है, तो वो ओटी के दरवाजे पे जैसे ही खड़ी हुई पीछे देख के मुझे बोलती हैं चलो अल्लाह हाफिज, और फिर एकदम अंदर चली गई। मुझे डॉक्टर बतानी है, डब्बे मार रही है तब से अंदर काफी कम्फर्टेबल में आते हैं। हम भी जब यहाँ से जाने में होता है, वहाँ जाके इतने प्यार से वो लोग बात करते हैं कि डर